एक सवाल पूछा गया कि हाई इफेक्टिव लोगों की तीन ऐसी हैबिट बताइए जिससे उनका दिन शानदार बन जाता है, थ्री मॉर्निंग हैबिट्स ऑफ हाई अचीवर्स, हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके ऊपर आज बात करने जा रहे हैं। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, सुबह सुबह उठने के बाद अलार्म बटन पे स्नूज करने की अगर आपकी हैबिट है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि उस हैबिट को दूर करने का मौका आ चुका है, क्योंकि आप अकेले ही नहीं है जो ये हैबिट से परेशान है, लेकिन जिन लोगों ने वो तीन अलग हैबिट्स को एड ऑन कर लिया है उनकी स्नूज करने की आदत दूर हो गई है। तो आज इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में हम उन हैबिट्स को दूर करने पर काम करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। मैं अखिल बाहेती हूं और मैं टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच हूं। साथ में मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है समय नहीं है। इस किताब को गोल्डन बुक अवार्ड और अमेजॉन बेस्ट सेलर के टाइटल से नवाजा गया है। इस किताब में 100 अलग अलग क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो सकता है। तो चलिए देखते हैं वो तीन इंपॉर्टेंट हैबिट जिससे आप आपके मॉर्निंग को बेहतरीन बना सकते हैं और अपने दिन की शुरुआत शानदार करते हुए पूरे दिन में हाई अचीवमेंट अचीव कर सकते हैं। हैबिट नंबर 1, पावर अप विथ मूवमेंट। आपको मैं मैराथन दौड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप इतनी कसरत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आप 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर का मैराथन पूरा करें। नो, आपको सिर्फ 15 मिनट कम से कम अपने आप को पावर अप करना है, अपने आप को आगे ले जाना है, सो दैट आपके बॉडी मूवमेंट के साथ आपका जो हार्ट है वो थोड़ा सा पंपिंग करना शुरू करे और बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड पहुंचा दे। हमारा पर्पस बहुत ही क्लियर है, हमें बॉडी बनानी है या हमें बहुत ज्यादा अपने आप को फिट करना है, नहीं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट से उतना पंपिंग जनरेट करना है ताकि सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड का फ्लो है वो पूरा हो जाए और दिन भर के लिए कोई भी बॉडी पार्ट हमें जवाब नहीं दे कि भाई आज थोड़ा थक गए हैं। नहीं, सारे के सारे बॉडी पार्ट जो हैं वो हमारे साथ रहने चाहिए कि चलिए आप जो काम करना चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। आप इमेजिन करके देखिए, आपका जो भी काम हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप मार्केटिंग पर्सन हो, आप जो भी काम करते हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बॉडी पार्ट पे आपका एक्सेसिव प्रेशर आता है। अब वो एक्सेसिव प्रेशर को कौन मेंटेन करेगा, तो वो आपके सुबह के 15 मिनट का पावर अप विथ मूवमेंट, ये वाली जो हैबिट है ये आपके उस एक्सेसिव प्रेशर को मेंटेन करेगी और बड़े ही आसानी से आप आपके सोचे हुए सारे काम पूरे कर पाएंगे। हैबिट नंबर 2, फीड योर माइंड। अपने माइंड को फीड करना है। अब क्या फीड करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते जाइए, थोड़ा सा डोपामाइन क्रिएट होगा, आपको खुशी होगी, कुछ फनी वीडियोज आएंगे, कुछ एक्साइटिंग वीडियोज आएंगे और वो डोपामाइन से आप आधा घंटा पौना घंटा आराम से आपका टाइम इन्वेस्ट कर देंगे। या तो ये फील कर लीजिए या फिर 15 मिनट के लिए कोई भी एक बुक जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, 15 मिनट के लिए उस बुक को पढ़ लीजिए। आप वो 15 मिनट जो आप नॉलेज गेन करेंगे आपके दिन भर में एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को क्रिएट करने का काम करेगा। तो फीड योर माइंड विथ टू ऑप्शंस, 1 सोशल मीडिया एंड 2nd वन इज बुक। मेरा प्रेफरेंस है बुक। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट, अगर आप इसे करना शुरू कर देंगे तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी। मैं लिख के दे सकता हूं स्टैम्प पेपर के ऊपर, ये तीसरी हैबिट अगर आप कर लेते हैं तो विदाउट फेल आपका दिन बहुत 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 शानदार जाएगा। तीसरी हैबिट क्या है, आपके एक्चुअल दिन की शुरुआत होने से पहले 2 से 3 मिनट के लिए आप विजुअलाइज कीजिए, आपके पूरे दिन को विजुअलाइज कीजिए, देखिए कि वो सारे के सारे काम जो आप आज करना चाहते हैं
वो उसी तरह से पूरे हो रहे हैं जैसे आप चाहते हैं। अगर ये हैबिट आपने इनकॉर्पोरेट कर ली, अगर आप 2 से 3 मिनट के लिए विजुअलाइज कर सकते हैं, तो आप देखेंगे पूरा का पूरा दिन वैसे का वैसा बीतेगा जैसा आप सोच रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा आप आपके शेड्यूल का पार्ट बना करके देखिए। आप उठे हैं, उठने के बाद आपने तुरंत मोबाइल हाथ में ले लिया? नहीं, अवॉइड कीजिए। अगर आपका मोबाइल में अलार्म है तो उसको इतना दूर रखिए कि आपको उठ करके जाना पड़े और वहां पे उसको स्टॉप करना पड़े, तब आप उसे देख करके आपके सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम आप ओपन नहीं करेंगे। आप आपके बेड पे जब रहते हैं तब सोते सोते ही इन सबको ओपन करते हैं और फिर टाइम का कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो मॉर्निंग रिचुअल्स करने के बाद टोटल 30 मिनट्स का ये आप पूरा का पूरा शेड्यूल सेट कर सकते हैं, जिसमें 10 से 15 मिनट आपकी एक्सरसाइज होगी, जिसमें आप थोड़ा सा रनिंग कर लीजिए, थोड़ा सा जंपिंग कर लीजिए, कोई योगा कर लीजिए, जिससे आपके हार्ट बीट्स थोड़े से बढ़ जाए और जैसे ही वो बढ़ेंगे वो पंप करेंगे ब्लड को और वो ब्लड सब तरफ पहुंच जाएगा। उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए जो भी बुक आपको पढ़नी है वो पढ़ लीजिए और बुक पढ़ने के बाद उसको बंद करके 2 से 3 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन कीजिए। आधा घंटा अगर आप आपके शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो आपका नाम भी बहुत जल्द हाईली इफेक्टिव लोगों में गिना जाएगा, आपके सर्कल में, आपके सोसाइटी में, आपके शहर में। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद, आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।